गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू केपीएल एक्सप्लोर। तो यार रात को कुछ ऐसा सीन हो गया हमारे साथ ना। रात को हम पार्किंग से निकले अपनी गाड़ी लेके और जाम मिल गया यार बहुत ज़बरदस्त। करीबन 2 से 2:30 बज गए हम निकलते निकलते। उसके बाद यार इतनी नींद आ रही थी, होटल देखा कहीं भी होटल नहीं मिला हमें, गुप्तकाशी ढूंढा वहाँ भी नहीं मिला। उसके बाद हमने सोचा मगर यार कहीं गाड़ी लगा के सो जाते हैं। तो रुद्रप्रयाग से करीबन 25 किलोमीटर पहले हम पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा के वहीं सो गए थे। तो अभी करीबन 8 बजे के आसपास अभी उठे हैं। मौसम देखो यार कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। वहाँ पे ना ठंडी हवा चल रही थी ना, बर्फीली हवा, तो सारे ना होठ भी फट गए हमारे बुरी तरह से। और गाड़ी की हालत देखो यार कैसी हो रखी है, बिल्कुल ये तो जाते वॉश करानी पड़ेगी भाई, इतना बुरा हाल हो रखा है इसका। तो यहाँ मौसम बारिश का हो गया यार, आज केदारनाथ में हो सकता है स्नोफॉल भी हो जाए। बाकी देखो ऊपर वाले की मर्जी है, बारिश तो आज पक्का है, 3 दिन बारिश तो पक्का बता रखी है कि बारिश तो होगी होगी। बाकी यहाँ भी हल्की हल्की बूंदे आ रही है। चलते हैं यार, नाश्ता भी नहीं किया, अभी नाश्ता करेंगे और उसके बाद सीधा अपने घर निकल जाएंगे। पहले हरिद्वार जाएंगे वहाँ पे, उसके बाद फिर घर जाएंगे। चलिए चलते हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, आपको मैं संगम दिखाऊंगा, मंदाकिनी और अलकनंदा का। गाइस जो भी आप सामने नदी देख रहे हो, ये है अलकनंदा और ये है मंदाकिनी, ये दोनों का संगम हो रहा है यहाँ पे। ये अलकनंदा है और ये है मंदाकिनी। कितना ऑसम व्यू आ रहा है ना यहाँ से, देखो नीचे नदी, ऊपर पहाड़ और ऊपर से मौसम भी अच्छा हो रहा है। अलकनंदा इस टाइम पूरे पूरी ना भर के चल रही है। यार यहाँ से ना जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, इतना एक तो मौसम इतना अच्छा हो रखा है और ऊपर से दो नदियों का संगम हम देख के ना यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है हमारा। नीलंबर तो अभी भी नदी में खड़ा हुआ है, देखो नंबर कैसा फील हो रहा है भाई? है? अच्छा फील हो रहा है ना, यहाँ बता नहीं सकता, आप जब आओगे ना आप खुद देखना, यहाँ पे इतना अच्छा फील हो रहा है, दो नदियों का संगम हो रहा है और हम यहाँ पे खड़े हैं। मतलब कैमरा जस्टिस कर ही नहीं पाएगा इस चीज़ को, देखो यार आप खुद देखो। We'll be right back.
गाइस अभी नीचे जा रहे हैं दारा देवी मंदिर। ये ट्रैक है, एक छोटा सा होगा 1 किलोमीटर का। गाइस अभी आप जो सामने देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है धारी देवी टेम्पल। ये गंगा के बिल्कुल बीच में है और यहाँ का व्यू देखो यार, कितना ऑसम व्यू है। और साथ में ये कि ब्रिज है, दिखा देता हूँ मैं आपको, फोटो शूट भी हो रहा है यहाँ तो। काफ़ी खूबसूरत ब्रिज है। यहाँ का व्यू ना ऑसम है बिल्कुल। और आप नीचे देख रहे हो ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बीच पे हो। ये दोनों साइड है। चलिए आपको नीचे लेके चलते हैं एक बारी। यहाँ का ना बिल्कुल ऑसम व्यू है, मतलब ऐसा फील हो रहा है बिल्कुल जैसे आप किसी समुद्र के बीच पे हो। मतलब बहुत बढ़िया यार, एक पूरा व्यू दिखा वहाँ तक का। यार यहाँ पे ना बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है, बिल्कुल ना बिल्कुल बीच वाली फीलिंग आ रही है। पानी बड़ा ठंडा है यार, बिल्कुल बिल्कुल चिल्ड चिल्ड पानी है। ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हो जाएगा यहाँ तो पानी में। चलो अब ऊपर चलते हैं यार, घर के लिए लेट हो रहे हैं वैसे भी। यहाँ पे आओ यार, बड़ा मज़ा आता है। आप श्रीनगर से जब आगे की तरफ चलोगे रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रास्ते में धारी देवी टेम्पल आता है और यहाँ पे आप बीच का मज़ा भी ले सकते हैं। तो गाइस अभी हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं और मैं खड़ा हूं गंगा किनारे। तो अभी यहां से गंगा जल भर रहा हूं। मम्मी का फ़ोन आया था कि गंगा जल लेके आइयो। अभी यहां से गंगा जल मैंने ले लिया है ये रहा। और अभी सीधा घर निकलते हैं यार, काफ़ी टाइम हो गया। अभी 10 बज चुके हैं और दिन से निकले मतलब सुबह से निकले ये टाइम हो गया हमें। अभी चलते हैं घर, काफ़ी टाइम हो गया यार।
फाइनली 6 बजे के आसपास मैं घर पहुंच गया था यार। रास्ते में हमें इतना जाम मिला यार, दुनिया भर का, मतलब दिमाग खराब हो गया था रास्ते में। तो आते टाइम ऋषिकेश में करीबन हमारे 4 घंटे बर्बाद हो गए यार, जाम इतना तगड़ा था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हरिद्वार गए, वहाँ से गंगा जल लिया घर के लिए। फिर मतलब टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो रास्ते में लगा के हम 2 से 3 घंटा हम सो भी गए थे यार, क्योंकि नींद आ रही थी। और फिर 6 बजे घर पहुँच गया था। तो इस ट्रिप पे यार मज़ा तो बहुत आया हमें, बहुत मज़ा आया। और लेकिन हमने कुछ गलतियाँ करी, हम गर्म कपड़े बहुत कम लेके गए थे अपने साथ ना। हम तो अपने गुड़गांव दिल्ली के जैसे सोच रहे थे यार, ऐसा ही होगा ठंड वंड। तो वहाँ भाई 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर होता है इस टाइम पे अक्टूबर के महीने में। गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।